पीछे हो जाना। आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप जी? कृपालु इंस्टीट्यूट के खिलाफ। क्या है मामला? वहाँ एडमिशन कराए थे तो 10-12 दिन पढ़ने के बाद हमारा नाम काट दिया है बदतमीजी करके हमसे। इसके पहले एक बार कार्रवाई हुई है, कोई जांच वांच बैठी थी, उसमें क्या निकला, कुछ जानकारी हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, परेशान। क्या है पूरा मामला, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा ये मामला है कि हमारे एडमिशन एनएम में कृपालु इंस्टीट्यूट में लिए थे और वहाँ एडमिशन होने के बाद हमारी प्रेगनेंसी आ गई, तो वो हमें मतलब कह रहे हैं हमारे प्रेगनेंसी अलाउ नहीं, उन्होंने पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, उसके थ्रू वो हमारा एडमिशन निरस्त कर रहे हैं। कह रहे हैं या तो एबॉर्शन करा के आओ तब तुमको यहाँ बैठने देंगे, नहीं तो फिर आप जो अपना एडमिशन निरस्त करा लो। हमने कहा आप हमारी फ़ीस वापस करेंगे या नहीं, तो कह रहे हैं आप एडमिशन निरस्त करा लो, आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। हमने उन्हीं के कहने के थ्रू एप्लीकेशन लिखा और दिया, उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद आइए, हम आपकी फ़ीस वापस कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद गए तो हमारी फ़ीस नहीं वापस किए, दूसरे दिन बुलाए, दूसरे दिन दिए गए तो कह रहे हैं आपकी फ़ीस नहीं वापस होगी। हमने कहा सर ऐसी कौन सी बात है जो आप फ़ीस नहीं वापस करेंगे, तो कह रहे हैं आपको जो करना कर लो जाके, अब आपकी फ़ीस वापस नहीं हो पाएगी। अब एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया, अब उस दिन निरस्तीकरण भेज दिए कि आपका एडमिशन निरस्त हो गया है, उस दिन आश्वासन भी दिए कि फ़ीस वापस करेंगे, अब दे भी नहीं रहे, बोल रहे हैं या तो एडमिशन करा के और तो बैठने देंगे नहीं तो नहीं देंगे। कितने दिन हो गए हैं? अभी 10 दिन हो गए हैं उनको यहाँ एप्लीकेशन दी हुई, हमारा तो 1 महीने रेगुलर क्लास चलने के बाद एडमिशन निरस्त किया। 10 अगस्त से जाने लगे थे, 9 सितंबर को हमारा मतलब हमको मना कर दिया गया स्कूल से।